नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 675वां एपिसोड। तो भैया 3 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट जगत के हवाले से दिन भर की 10 तड़कती भड़कती खबरें आपके सामने पेश करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, सारी खबरें बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि प्लेसेस को लेकर बिग बैश लीग से जो खबरें आई है वो जरूर आपको सुनना चाहिए। एंड तक वीडियो को तो आप देख ही लेते हैं, लाइक और शेयर भी कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन नीचे भैया हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो आखिरकार सच्चाई बाहर ही आ गई और ये सच्चाई बाहर कर दी है आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी टेक्टर ने। हैरी टेक्टर जो कि आयरलैंड इंडिया सीरीज में खूब चले, आईपीएल पर बड़ी बात कह गए। टेक्टर ने कहा, आस्क एनी प्लेयर दे वांट टू प्ले इन आईपीएल, इट इज एंबिशन। आप किसी भी आयरिश प्लेयर से पूछो कि आप आईपीएल खेलना चाहते हो, उसके लिए ये एंबिशन है, उसके लिए ये एक माइलस्टोन है, उसके लिए ये ख्वाब है। और यही आईपीएल की ताकत है कि वो गोरे जो कि एक समय हम पर राज करते थे, वो हमारी लीग में आकर खेलने के लिए मरे जा रहे हैं और इस चीज के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, ये जो खबर निकल कर आ रही है, ये एफ्रो एशिया कप के हवाले से निकल कर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था एफ्रो एशिया कप हो सकता है, बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शहीन शाह अफरीदी, हार्दिक पांड्या एक साथ खेल सकते हैं। इसी को लेकर कल रोनित डागा ने हम सवाल पूछा, रोनित भाई ने कल सवाल पूछा, व्हाट डू यू थिंक हु विल बिकम द कैप्टन इन एफ्रो एशिया कप। एफ्रो एशिया कप में जो एशिया की टीम होगी उसका कैप्टन कौन बन सकता है? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है, वो है रोहित शर्मा। आई डोंट थिंक कि और कोई कैप्टन बनेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को भी अपनी टीवी व्यूअरशिप लानी है और जो फेस रहेगा वो इंडियन ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इंडियन से ही लोग देखेंगे। एंड दैट इज वाई एशियन टीम का कप्तान इंडियन होगा। विराट कोहली तो करना नहीं चाहते और उन्होंने ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो रोहित शर्मा का ही नाम है। तो भाई रोनित भाई, आपके सवाल का जवाब सीधा सीधा है, अगर ये होता है कप तो रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। और आप भी भैया, आप क्या कर रहे हो, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, फटाफट सवाल पूछो। और एक और चीज बता दो, हमारा नया चैनल एमसीपी शॉर्ट आ चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, फटाफट खोलिए। आप लोग क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियों को एक मिनट के छोटे वीडियो फॉर्मेट वहां पर दिखाते हैं, मजा आ जाएगा आपको, देर मत करना, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, एमसीपी शॉर्ट फैमिली का हिस्सा बन जाना। रोज एक शॉर्ट वीडियो आती है और रोज स्टाइल का मस्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं की तीसरी बड़ी खबर की। तो चेन्नई सुपर किंग्स है इंटरेस्टेड, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएसके के सीईओ बोल रहे हैं। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि वुमेन्स आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स वाले अपनी टीम खरीदना चाहते हैं और ये बहुत पॉजिटिव खबर है। तो शुरुआत में खबरें आई थी कि शायद आईपीएल टीमें इंटरेस्टेड नहीं होगी कि वो वुमेन्स आईपीएल के लिए अपनी टीम खरीदे, बट सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइज अगर बोल रही है तो दैट्स मींस कि बहुत बड़ा कुछ आईपीएल में वुमेन्स आईपीएल को लेकर, वुमेन्स क्रिकेट को लेकर होने वाला है। इसके लिए एक लाइक की बटन तो दबनी चाहिए, अभी तक नहीं दबाई है तो दबा दो। चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं, तो शास्त्री इस समय इंग्लैंड में है और इंग्लैंड की धरती पर जाकर जो गोरों ने खेल बनाया उन्हीं के खेल पर बड़ी टिप्पणी कर गए। रवि शास्त्री ने आईपीएल को सब कुछ बता दिया। रवि शास्त्री ने कह दिया कि भैया ये जो टेस्ट क्रिकेट वेस्ट क्रिकेट है इसको बंद करो, क्रिकेट को फुटबॉल स्टाइल में डालो। वहीं उनके चैनल पर बैठकर रवि शास्त्री ने यह बात कही कि भैया क्रिकेट को फुटबॉल स्टाइल में डालो, सिर्फ लीग क्रिकेट होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होना चाहिए और वर्ल्ड कप होने चाहिए, आईपीएल को तरजीह दी जानी चाहिए। शास्त्री के इस बयान से मैं बहुत हद तक सहमत हूं, अगर आप भी सहमत है तो कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो बुमराह बन गए युवराज और जिसका शिकार किया वो सेम ही था, क्योंकि युवराज सिंह ने साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार किया था और यहाँ पर बुमराह ने भी ब्रॉड का ही शिकार किया। बुमराह ने जो अपना फिफ्थ टेस्ट चल रहा है उसमें एक ही ओवर में 35 रन मार दिए, हालांकि कुछ वाइड्स भी गई, कुछ उनके खाते में नहीं गए, लेकिन एक सबसे महंगा क्रिकेट इतिहास का ओवर फेस कर रहे थे कप्तान बुमराह। और ब्रॉड को जरूर युवराज सिंह दिखने लगे होंगे बुमराह में, अगर आप भी इससे सहमत है तो लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया यहाँ पर दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो आईसीसी की बैठक के हवाले से रिपोर्ट है, आईसीसी की बैठक के लिए 25 और 26 जुलाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। आईपीएल की बड़ी विंडो, वुमेन्स क्रिकेट पर ध्यान देना, आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स राइट्स, ये इस विंडो की एक बहुत बड़ी मुद्दा रहने वाला है। देखते भैया इस विंडो में क्या क्या फैसले होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो फाफ डू प्लेसिस हो गए हैं नॉमिनेटेड, मिल गया है उन्हें लालच और ये लालच उन्हें मिला है भैया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली ऐलान कर दिया है कि साउथ अफ्रीका से फाफ डू प्लेसिस को भी, जो इनका फॉरेन ऑक्शन होने वाला, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया गया। आपको बता दूं कि बिग बैश लीग वालों ने इस साल सिर्फ विदेशी प्लेयर्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया चालू की है। उम्मीद ये कही जा रही है और करी जा रही है कि कई सारे प्लेयर्स तीन चार करोड़ रुपए के ब्रैकेट में बिक सकते हैं। और यहां पर दोस्तों फाफ डू प्लेसिस ने भी अपनी मंजूरी दी है, उन्हें भी नॉमिनेट कर दिया गया और उम्मीद है कि उन्हें आईपीएल जितना कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अभी बता दूं आपको कि आरसीबी टीम 7 करोड़ रुपए दे रही है, कप्तान भी बनाया हुआ है, और अगर लालच वहां पर बढ़ता है तो प्लेसिस बोल सकते हैं कि भैया मुझे तो बिग बैश वाले 4-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कम से कम आईपीएल में मुझे 10-12 करोड़ रुपए तो दो, मैं आपका
कप्तान हूँ। ये चीज फिलहाल टू प्लेसेस बोल जरूर सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम वालों से मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि बिग बैश लीग वालों ने लालच दे दिया है और आरसीबी को शायद थोड़ा पर्स ढीला करना पड़े, फाफ टू प्लेसेस को एक बड़ा रिटेंशन अमाउंट इस साल देना पड़े, अदरवाइज वो बोलेंगे कि भैया मैं छोड़ रहा हूँ कप्तानी और जा रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि अपने कप्तान को आरसीबी बेहतर तरीके से संभालना जानती है और जरूर उनकी पैसों को जरूर बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन में की नौवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है चैंपियन बोट लीग के हवाले से, केरला में आईपीएल की तर्ज पर चैंपियन बोट लीग शुरू कर दी गई है जो कि 4 सितंबर से शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि केरला में मानसून आ चुका है और सितंबर तक मानसून अपना परवान चढ़ेगा, उस समय बोट राइड्स और बोट रेसेस बहुत होती है केरला में और आईपीएल स्टाइल की बोट रेस होने वाली है, आईपीएल स्टाइल की ट्रॉफी होने वाली है। आगे बढ़ते दसवीं बड़ी खबर की बात करते हैं, तो संजू सैमसन की क्या जगह बनेगी, नहीं बनेगी, इस पर भैया मयंक ब्रजमोहन ने कल हमसे सवाल पूछा। मयंक भाई ने हमसे सवाल पूछा, विल सैमसन डिजर्व अ प्लेस इन अपकमिंग टी20 वर्ल्ड कप। देखो यार, अभी तक की स्थिति में हमने जिन जिन खिलाड़ियों का फॉर्म देखा उसमें से सैमसन का फॉर्म हमें दिखा है और मेरे हिसाब से जाहिर है बहुत कंपटीशन है, लेकिन जगह आपको बनानी चाहिए क्योंकि वो खिलाड़ी है जिसने अपनी टीम को फाइनल में ऐसे कैप्टन पहुंचाया है, इनिंग्स भी खेली है, एक बहुत अच्छे टच में भी सैमसन दिख रहा है, तो यार मेरे हिसाब से तो जगह बननी चाहिए। बट क्यों इतना कंपटीशन इतना है, स्पेशली वो कीपर है, दिनेश कार्तिक का जाना तय माना जा रहा है, ऋषभ पंत का जाना तय माना जा रहा है, तो क्या सैमसन को लिया जाएगा उस रोल में, मुश्किल समझ में आ रहा है। तो अभी तक तो चांसेस ना के बराबर ही है मोहन भाई, माफ कीजिए मयंक भाई। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, अपना सवाल जरूर पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल फटाफट लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नया चैनल एमसीबी शॉर्ट आ चुका है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाइए।